सीसवाली कस्बे में सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी चौड़ाई बढ़ाने को लेकर मांगरौल रोड कृषि उपज मंडी से प्रताप चौक बस स्टैंड कोटा नाका चुंगी तक शनिवार को सुबह से प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। इसके चलते यातायात भी प्रभावित रहा। कस्बे की बिजली आपूर्ति को भी बंद रखा गया। प्रशासन ने पहले ही मकानों व दुकानों को चिन्हित कर अतिक्रमण हटाने की सूचना करवा दी थी। इसको लेकर दुकानदारों द्वारा स्वयं ही अपने खर्चे से तोड़वाने का काम शुरू किया गया था। अतिक्रमण हटाने से पूर्व कस्बे में फ्लैग मार्च भी निकालकर दुकानदारों के साथ समझाइश की गई थी और कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों व मकानों का अतिक्रमण अपने हाथों से तोड़ना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी ओर जिन लोगों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाए गए थे, जिसको लेकर शनिवार को प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया गया। सड़क के दोनों तरफ की चौड़ाई 9-9 मीटर ली है। इसके तहत अब कोटा मांगरौल रोड काफ़ी चौड़ा दिखाई देगा। अतिक्रमण की कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया। पूर्व में विभाग द्वारा 10-10 मीटर पर निशान लगाए गए थे, मगर व्यापारियों ने मंत्री प्रमोद जैन भाया से मिलकर 10 मीटर से कम करने की मांग की थी, जिस पर खान व गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने जिला कलेक्टर बारा को पत्र लिखकर चौड़ाई कम करने की मांग की थी, जिसके बाद दोनों तरफ से 9-9 मीटर लिया गया और उसके तहत ही अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। कई लोगों ने दबी जबान में चौड़ाई कम करने का विरोध भी किया और बताया कि जब निशान 10 मीटर पर ही लगाए गए थे तो यथावत स्थिति में ही बुलडोजर चलाना चाहिए था। इसे जाहिर होता है कि अतिक्रमण में भी पक्षपात किया गया है। प्रताप चौक बस स्टैंड पर टूटी फूटी दुकानें व मकान नजर आ रहे हैं। जगह जगह मलबा बिखरा पड़ा है, हालांकि इसको उठाने का कार्य भी चल रहा है। बुलडोजर चलने से सैकड़ों दुकानदार बेरोजगार हो गए। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। हाड़ौती न्यूज के लिए सीसवाली से फिरोज खान की रिपोर्ट। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़ और प्रेस करें बेल आइकन को।